हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है, कोई भी विंडोज़ 10 का ऐप जो हो वो हम शॉर्टकट की से कैसे ओपन करें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमको रन एप्लीकेशन में जाना है। जैसे रन एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे जाके हमको एक कमांड डालना है जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद ओके करना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं वो इकट्ठा ओपन हो जाएंगे। तो आपको कौन सा एप्लीकेशन चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मल्टीपल एप्लीकेशन को भी जो है शॉर्टकट की दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अभी जो है सपोज़ हम इस एप्लीकेशन में सपोज़ हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को शॉर्टकट की से ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमको उसका क्रिएट शॉर्टकट करना पड़ेगा। जैसे हम क्रिएट शॉर्टकट करेंगे तो जो शॉर्टकट है वो विंडोज़ पे क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्टकट करके आ रहा है, तो यहाँ पर शॉर्टकट की डालेंगे Ctrl+Alt+i। तो उसके बाद अप्लाई करके ओके करेंगे। जैसे हम Ctrl+Alt+i प्रेस करेंगे उसके बाद जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जैसे हमने Ctrl+Alt+i ये शॉर्टकट की दबाया तो वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है अपने आप चालू हो गया है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।